बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सलाम अलैकुम प्यारे भाइयों। माशाल्लाह तबारक अल्लाह मछली बना रहे हैं, मछली का सालन बना रहे हैं सरसों के तेल के अंदर। ये प्याज लाल कर रहे हैं, प्याज तेल में एक अदद प्याज सुरख कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं, भून रहे हैं प्याज। उसके बाद लहसुन प्याज डालने, लहसुन लहसुन का अदरक का पेस्ट। मछली सरसों के तेल में बना रहे हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अभी ये प्याज शुरू हो गया तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। ये भी थोड़ा लाल हो जाएगा तो फिर मछली मसाला डालेंगे। ये फिश का मछली का सालन बन रहा है। मसाला डालो, नमक उसमें जाए करिए, सूरह मिर्ची का पाउडर एक चम्मच, ये अदरक का पाउडर, गरम मसाला एक चम्मच, प्लास्टिक बादल मिर्ची पानी थोड़ी, ये बादल मिर्ची एक चम्मच डाल लोग आधा चम्मच जवैन का डाल, टमाटर डालेंगे, मसाला बन गया, चावल मसाला बन गया, नरम नहीं की थी। पहले मैं सऊदी अरब में खाना खुद ही बना करते थे, मछली गोश्त दालें जो भी, बहुत मज़ा आता।
थोड़ी सी पक जाए ना फिर आपको दिखाते हैं। प्यारे भाइयों अस्सलाम वालेकुम, ये अभी मेथी डालने लगे हैं, कसूरी मेथी, मछली बनाई है शोरबे में, थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन डालेंगे। ये सालन तैयार हो गया माशाल्लाह, बड़ा टेस्टी है, खुशबू आ रही है। ये भी दिन लगेगा, सब दिन लगेगा। अभी इसको दम लगा देते हैं, दम के ऊपर दस पंद्रह मिनट का दम लगा दिया। सालन तैयार हो गया, हम इसको डालने लगे। प्यारे बहन भाइयो तैयार हो गया, लाइक और सब्सक्राइब करना। मेरा दोस्त है बिल्ला, उसको मेरा मछली माशाल्लाह तबारक अल्लाह। रोटियां तैयार हो गई हैं हमारी, अभी हम खाएंगे। सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आज हमने फ़िश की रेसिपी बनाई है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। रोटियाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है और आप सबने भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये खाने में कैसी लगी। और हमारे नसीम फूड स्पेशल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इससे ये होगा हमारी जो सी भी नई वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी और हमें सपोर्ट होगी। आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपने ज़रूर करना है ताकि हमारी वीडियो पहुंच जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।